आरजेडी की तरह बीजेपी ने भी नौकरी का वादा किया था। आरजेडी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो बीजेपी ने कहा था मैं 19 लाख नौकरी देने का वादा करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसमें नेताओं के चक्कर में युवा जो है वो पिस रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि नेता ने किस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूँ हेमलता और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, आप यहाँ पे बुक खरीदने आए हैं? जी। अच्छा सर, तो आप बुक खरीदने आए हैं तो आप पढ़ते होइएगा? जी। तो आपको क्या लगता है पढ़ने से रोजगार मिल जाएगा? बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में जॉब, क्या कीजिए क्या कीजिएगा। सर, नेता जो है युवाओं को ठगने का काम कर रही है कि हम वैकेंसी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रही है। नहीं दे रही है, सही बात है। क्या लगता है बुक खरीदने से आपको रोजगार मिल जाएगा? रोजगार वो अपनी जगह है, नॉलेज बढ़ेगी, टैलेंट रहेगा तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे बुक खरीदने आए हैं, कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। अभी 12th का ही है। कितना लोगों का दर्द जो है, किस तरीके से बयां लोग कर रहे हैं अपने दर्द को कि लोग महंगाई जो है इतनी ज़्यादा महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोगों का जो जेब है उस पर कोई वृद्धि नहीं हो रही है। लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कुछ इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो आगे की वीडियो में देखने के लिए बने रहे इंडिया बिग न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब